हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय के लिए मैं सोच रहा हूं पेडागोजी की क्लासेस यानी कि CDP, जिसमें NCF के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो भी नए क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड करके आपके सामने रखी जाए। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इनसे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी रखी जाए। अगर आपको पेडागोजी की क्लासेस आप देखना चाहते हो चैनल पे, तो नीचे पेडागोजी जरूर लिख दें, PEDAGOGY लिखकर कमेंट जरूर कर दें, ताकि वो रिलीज किया जा सके। आपके इंटरेस्ट के बिना जो है मैं रिलीज करने वाला हूँ नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलोगे 21 क्यों, इससे पहले 1 से 20 तक कहाँ गया? तो देखिए 1 से 20 तक मैंने पहले ही करा रखा है कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये आपको नीचे जो कमेंट सेक्शन में आपको टॉप 50 का वीडियो मिलेगा, वहाँ से जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हो। पूरी वीडियो जरूर देख लें सारे, तब आपको समझ में आएगा। तो कंप्यूटर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मैक्सिमम स्लाइड कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड को ऐड किया जा सकता है। देखिए मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे पावर पॉइंट में आपको बहुत सारे स्लाइड्स मिलेंगे। तो इसकी कितनी लिमिटेशन है, मैं आपको स्लाइड से ही पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, गूगल स्लाइड से, बट ये स्लाइड ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखिए जो इसकी नंबर है ना, वो ना 50 है, ना 500 है, ना 25 है। इसका कोई फिक्स नंबर है ही नहीं, आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम एक बार जो है 980 स्लाइड की जो है PDF बनाई थी, उसके बाद काम पड़ा ही नहीं कि मैं आगे बढ़ा सकूं। तो अभी तक फिक्स्ड लिमिट है नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नो फिक्स्ड नंबर। चलिए ये तो प्रैक्टिकल के साथ मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको बार बार डिस्टर्बेंस नहीं हो, उससे पहले बता दूं 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से जो है नोट्स के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। 99 रुपये मात्र में जो है दिया जाएगा, और जिनको चाहिए होगी पार्टी की तैयारी के लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइपरलिंक की। जी हाँ, हाइपरलिंक की। देखना कई बार आप ना PDF ओपन करते हो, मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़कर समझा देता हूँ आपको। आपको उस कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन को बताना है, शॉर्टकट को बताना है, जिससे हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर पाएँ। तो देखिए हाइपरलिंक पहले समझना है होता क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको ये स्लाइड की PDF दे दूँ और यहाँ पे जो है मैं हाइपरलिंक लगा दूंगा ना, यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक हियर, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ क्लिक, तो ये अगर मैं हाइपरलिंक में तब्दील कर चुका हूँ, यहाँ से आपको कुछ इमेजेस भी दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही आप क्लिक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक नई जो है वेब जो है पेज खुल जाएगी, जहाँ पर सपोज़ कर लो कि मैं अपना वेबसाइट बता सकता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर सकता हूँ, या फिर KBS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। तो देखना कई कई बार लिखा हो रहता है क्लिक हियर टू डाउनलोड, डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखना सॉन्ग डाउनलोड हो जाता है। मैं आपको एक और फोटो दिखा देता हूँ, MP3 सॉन्ग आप डाउनलोड करते हो, ये तो खैर गुजरे जमाने की बात हो गई, लेकिन जब आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर लेते हो। तो चलिए अब बात करते हैं MS पावर पॉइंट में अगर आपको हाइपरलिंक एक्टिवेट करना है शॉर्टकट की के द्वारा, तो आप कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे, Ctrl+S, Ctrl+K, Ctrl+M या फिर Ctrl+N? तो देखिए Ctrl+K दबाने के बाद आपके सामने पावर पॉइंट में जो हाइपरलिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, तो कौन सा फंक्शन की आप दबाओगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश होता रहेगा, नीचे कमेंट करके ये आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं, आप कितने इंटेलेक्चुअल लोग हो। Which of the following is not included in the insert category in MS PowerPoint? देखिए PowerPoint के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। PowerPoint में insert category में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, यहाँ से एक इमेज आप अच्छे से देख लो। insert category में आपको देखिए सबसे पहली बात, insert जब आप ओपन करोगे शेप मिलेगा, टेबल मिलेगा, सिम्बॉल मिलेगा, लेकिन एनिमेशन एक अलग है। एनिमेशन जो है जैसे इंसर्ट कैटेगरी है ना, उसी तरह से एनिमेशन एक कैटेगरी है, जहाँ पे एनिमेशन में जाकर आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। यानी कि इंसर्ट के अंदर ये एक्चुअली आप अगर इसे ग्रुप मानोगे तो ये सारे सब ग्रुप हैं, लेकिन एनिमेशन क्या है, खुद एक ग्रुप है, ये सब ग्रुप नहीं है। यानी कि एनिमेशन आपका राइट आंसर होगा। पूछा ही गया था क्वेश्चन में नेगेटिव टर्म में नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड कौन सा हो जाएगा, एनिमेशन, जहाँ पे आप तरह तरह के एनिमेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर पाते हो। डी आपका राइट आंसर हो चला है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप MS वर्ड खोलते हो और MS वर्ड में लिखना स्टार्ट करते हो, तो जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट यानी कि लिखने के लिए जो कर्सर ऐसे ऐसे होता है ना,
ऑन ऑफ होते रहता है ये, तो ये किस साइड में होगा, राइट साइड में, सेंटर में, लेफ्ट में या जस्टिफाई में? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, आप कभी भी एमएस वर्ड खोलो, पेंट खोलो, जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखने की बात आएगी, ये हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड से लिखते लिखते आप राइट की ओर जाते हो, फिर यहाँ नीचे से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किन्हीं को उर्दू लिखना हो एमएस वर्ड में, तो उनको जो है इस कर्सर को या फिर सेटिंग से चेंज करके इस तरफ लाना होगा, फिर इधर से आप इधर लिखोगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, और पूछा गया है XML में L क्या चीज़ को स्टैंड करता है? तो देखिए सिंपल सा ये आसान सा आंसर है, L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। यहाँ से आप कुछ इमेज देख लोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे XML का फुल फॉर्म क्या है, और कुछ और चीज़ें आपको यहाँ से दिख रही होगी, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नोट्स बनाते जाइए खुद से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, विच ऑफ दीज वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो क्या था, सबसे पहले आपको मैं पूरे जनरेशन के बारे में बता देता हूँ, क्वेश्चन आएगा तो आपको चूकना नहीं है। फर्स्ट जनरेशन को वैक्यूम ट्यूब्स बोला गया था, जो कि आपको देखिए ईयर भी याद रख लेना है, शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंड जनरेशन आपको ट्रांजिस्टर है, और तीसरे जनरेशन में आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिलेगा, फोर्थ जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा, या 2010 से लेकर अभी तक ये सो ऑन हो रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो आप, सेकेंड जनरेशन की बात की गई है, यहाँ से देखो आप, और सेकेंड जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स दिख रहा है ना, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ आपको जाना था, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितने होते हैं, फोटो देखिए यहाँ पे और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी हाँ, F1 F2 F3 एंड सो ऑन F12 तक आपके पास ये जाएगा। राइट आंसर एक बार फिर से यहाँ से जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12 हो जाएगा। फोटो तो आपको दिख ही रही होगी, देख लीजिए अपना कीबोर्ड में एक बार, जरूर देख लीजिए अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आप जो है कीबोर्ड जो है यूज कर रहे हो टैब का, प्लीज़ डू वॉच, देखोगे समझ में आ जाएगी आपको बातें। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ अ फाइल टाइप एक्सटेंशन इज इनकरेक्ट? देखिए जो एक्सटेंशन होता है ना, जैसे आप फोटो सेव करते हो तो देखना फोटो के लास्ट में JPG लिखा हुआ होगा आपके पास, देखना आप कोई भी फोटो जो है गैलरी में सेव करते हो कैमरा से खींचने के बाद, तो वो JPG में होता है। और मैं जैसे देखो, मैंने यहाँ पे ये लोगो लगा रखा है ना, ये अपना दी एजुकेटर का यहाँ भी लोगो लगा रखा है, तो मैंने इसको जो है ना PNG फॉर्म में कन्वर्ट किया था, .png में। इसी तरह से आपसे पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि पहले जो है 2007 से पहले जो ये होता था XLS होता था और DOC होता था और PPT होता था, लेकिन 2007 के बाद से ना सब में X जुट गया है, सब में X जुट गया, और करंट वाले जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट हुए हैं उसके साथ आपको जाना चाहिए था। तो डॉक में आपको देखिए एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यानी कि यही आपका राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पे एक्स जो है मिसिंग है, ए के साथ आपको जाना था, एमएस वर्ड में आपको ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट। देखिए फॉन्ट के बारे में पूछा गया कि फॉन्ट साइज जो है ना एमएस पावर पॉइंट में कितना होगा। देखिए बहुत बार आप घबराओगे और बुरी तरह से फंसोगे, एमएस एक्सेल और आपको जो है एमएस एक्सेल और MS वर्ड में, याद रखिएगा एक्सेल और वर्ड में आपको जो है याद रखना है, यहाँ पे जो फॉन्ट होगा ना 8 से लेकर 72 तक होगा, आप कंप्यूटर में इसे ओपन करके देख सकते हो। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भूतिया हो गई, यहाँ से फिर से बता देता हूँ, देखिए 8 से 72 कौन कौन होगा, MS वर्ड और MS वर्ड के साथ साथ आपका जो है एक्सेल में यही आपको देखने को मिलेगा 8 से लेकर 72 तक, लेकिन पूछा गया है पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में 8 से लेकर 96 तक आप लिख सकते हो। देखिए ये जो फॉन्ट साइज है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये 32 का है, और नीचे जो मैंने लिख रखा है ये 28 का है, यानी कि एक्चुअली मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूँ लेकिन ये फिर स्लाइड में आएगा नहीं, मिनिमम जो है आप पावर पॉइंट में स्लाइड में 8 ले सकते हो और मैक्सिमम 96 ले सकते हो, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहते ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो देखिए वाईफाई का फुल फॉर्म जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन ए बी और डी गलत है, ऑप्शन सी आपका सही है, वायरलेस
फिडेलिटी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चंस और भी अगर आपको इसके चाहिए, अगला पार्ट भी आपको अगर चाहिए होगा तो नीचे पार्ट 4 जरूर लिखिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप सचमुच में जेन्युइनली जो है कंप्यूटर के क्लासेस और लेना चाहते हो रिगार्डिंग नवोदय विद्यालय। जाते जाते फिर से दोहरा दूँ, 99 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।